गुड मॉर्निंग भाई लोग। चलो फिर यार भाई लोग, आज राजगीर को बाय बाय करने का टाइम हो गया, क्योंकि यार मैं यहाँ पे पिछले 3 दिन से रुका हुआ था और मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेस जो थे मैंने वो सारी चीज़ों आप सभी को दिखाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घूमने के लिए आप सभी के पास दोस्तों पैसा होना चाहिए, विदाउट पैसा कि आप नहीं घूम सकते यार सारे प्लेसों को। और यार भाई लोग, आप सभी लोगों को पता है कि मैं किसी हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसे में दोस्तों मेरे पास जितना बजट था, मैं जितने कम बजट में जो जो प्लेस मेरे को अच्छी लगी मैं वहाँ पे घूमा। इसके लिए भाई लोग मैं कल एक स्पेशल वीडियो लॉन्च करूँगा कि आप यहाँ पे कितने कम बजट में पूरा राजगीर को घूम सकते हो, या फिर आपका कितना खर्चा आएगा पूरे राजगीर को घूमने के लिए। तो आप सभी लोग दोस्तों कल वाली हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं पूरा डिटेल्स में आप सभी को बताऊँगा कि कैसे कैसे आप यहाँ पर घूमेंगे, क्या क्या घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह है। तो चलिए दोस्तों हम यहां से लिफ्ट मांगना स्टार्ट करते हैं और आज हमको सीधे गया तक पहुंचना है भाई। और इधर टुक टुक जा रही है, देख रहे हो ना, ये इधर टुक टुक जा रही है भाई। एक भाई यही आ रहा है, इसी को दिखाता हूं यार लिफ्ट दिखाता हूं भाई। यार लिफ्ट दे दो यार, लिफ्ट दे दो यार। कहाँ तक चलोगे भैया, मेरे को थोड़ा आगे तकलीफ दे दो, बैठ जाऊँ। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यहाँ से भाई पहले अपने को एक लिफ्ट मांगना पड़ेगा नवादा तक, नवादा से फिर दूसरी लिफ्ट मिलेगी, तब वो हिसाऊ तक जाएगी। भाई बस आ रही है, अगर आप बस से जाना चाहेंगे तो बस आपको मिल जाएगी। पीछे आ रही है ना, देखा आपने, वो बस स्टॉप हो गई, बस से जा सकते हो। लेकिन भाई अपने को बस से नहीं ट्रैवल करना है, सिर्फ ओनली लिफ्ट लिफ्ट के थ्रू। भाई वैसे भी यार बहुत पैसा खर्चा हो जाता है यार, अगर आप बस से जाओगे भाई तब भी दिक्कत आएगी। मैं पिछले 3 दिन यहाँ पर रुका यार, तो मेरा काफ़ी लॉस हो गया भाई, पैसा मेरे खर्च हुए हैं भाई। ये बैठने का एक स्थान है भाई छोटा सा, और इधर देख रहे हो भाई पूरा जंगल ही जंगल है। यहीं पे मैं पहले थोड़ी देर रेस्ट मारता हूँ यार, क्योंकि मैं थक गया यार, काफ़ी दूर से पैदल आ रहा है यार। पैदल आते थे भाई यार मुझे थका लग जाती है, थकान लग जाता भाई पूरा। देख रहे हो इधर बस जा रही है भाई यही, फिर इधर ट्रैक्टर वाले भाई एक आ रहे हैं, देख रहे हो ना ये ट्रैक्टर जा रही है। यहाँ पर भाई रियल में यार ट्रैक्टर बहुत चल रहा है, अगर ट्रैक्टर से लिफ्ट मांगोगे तो इसलिए मिल जाएगी। और उधर चारों साइड भाई पूरा जंगल जंगल है यार, इधर देख रहे हो कितना घना जंगल है यार, कोई भी जानवर ना हो भाई इधर। बट मैं यार इसी जंगल में आज फंस गया हूँ भाई, जंगल में कोई भाई लिफ्ट नहीं मिल रही यार, मैं अकेले भागते हुए ऐसे चल रहा हूँ यार। देख रहे हो इधर ट्रक आ रही है भाई, इधर से कारें आ रही हैं, देख रहे हो इधर बाइक वाले भाई इधर से जा रहे हैं यार। लेकिन पीछे से हमारे कोई बाइक वाले भाई नहीं आ रहे यार, कोई यार कार वाले भाई गए यार, वो लिफ्ट दे देते शायद यार। एक भाई यार इनको दिखाता हूँ यार, रुक दो यार। थैंक यू भैया, थैंक यू यार, थैंक यू भाई लोग। यार मुझे लिफ्ट मिल गई, थैंक यू भैया यार, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था भाई। मेरे को आगे तक आप जहाँ तक चलोगे वहाँ तक छोड़ देना, बैठ जाऊँ। चलो थैंक यू भाई लोग, यार मुझे लिफ्ट मिल गई, भैया मिल गए यार। मैं काफ़ी टाइम से यार पूरा इसी जंगल में घूम रहा था यार, पहाड़ के बीच में कोई भाई नहीं मिल रहा था यार। चलो फिर दिखाते हैं आगे का व्यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. चलते भैया, थैंक यू थैंक यू। हाय हाय हाय, थैंक यू भैया। कहाँ तक चलेंगे अंकल जी आप? कहाँ जाना है? मैं तो आज जाऊँगा हसुआ तक जाऊँगा, फिर हसुआ के बाद मैं बोधगया तक जाऊँगा। ये बोर्ड है हमारा ऑल इंडिया ट्रैवल, मैं पूरी भारत की यात्रा कर रहा हूँ। चलो भाई लोग अंकल जी के साथ हम चल रहे हैं अभी थोड़ी दूर तक भगाते हुए। चलो यार भाई लोग, अपने को यार भाई ने ये हिसुआ मार्केट में उतार दिया है। यहाँ पे अभी मेरे को फिर से आगे एक लिफ्ट मांगना पड़ेगा, तब हम सीधे पहुँचेंगे बोधगया पे। भाई 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 दे दो यार लिफ्ट। अरे वो रखा यार, थैंक यू भाई यार, बट अपने भाई तो रखा यार पीछे। भाई कैसे बैठूंगा यार, मुझे लिफ्ट चाहिए थी भाई। कहाँ तक? आगे जहाँ तक चलोगे? चल मैं बोधगया तक जाऊँगा फिलहाल, जहाँ तक आप चलोगे वहाँ तक चलोगे, बैठ जाऊँ। थैंक यू भाई यार। भाई लोग यार मुझे लिफ्ट मिल गई यार, भाई सामान रखा है भाई, आप सोच सकते हो यार, भाई सामान रखा है फिर भी भाई ने रोका। बट यार ऐसा है भाई, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको भाई ना यार कि रोकेंगे जरूर, लिफ्ट मिलेगी। कोई कोई भाई सिंगल ही जाता है यार ना, बट नहीं रोकता यार। भाई यार शहर में चलो एक बार ट्राई करते हैं। भाई 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 रोक दो यार, थोड़ा लिफ्ट दे दो यार। थैंक यू भाई यार, थैंक यू भाई यार। मुझे यार बोध गया जाना था, लेकिन आप जहाँ तक चलोगे वहाँ तक छोड़ देना।
भाई ये कौन सी रिवर है यार? ये फल्गु रिवर। कौन सी रिवर? फल्गु रिवर। फल्गु फल्गु चलते भाई। थैंक यू भाई ने मुझे यार घुगड़ी ताड़ बाईपास गया के पास उतार दिया। अभी यहाँ से मुझे 12 किलोमीटर तक चलना है यार। भाई यार हम देख रहे हैं भाई आ जाए। भाई लिफ्ट दे दो यार, लिफ्ट दे दो यार। थैंक यू भाई यार। भैया आप कहाँ तक चलोगे? कहाँ भाई? मैं बोध गया था चलो, लेकिन आप जहाँ तक चलना वहाँ छोड़ देना। थैंक यू भाई यार। प्रॉब्लम क्या है भाई यहाँ पे आने के बाद बोध गया टेम्पल के अंदर? भाई आप कैमरा लेके जा सकते हो बट फोन लेके नहीं जा सकते। भाई ये पीछे दिख रहा है ना मेरे, यही है दोस्तों बोध गया का टेम्पल। और इधर देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए सामने दिख रहा है ना, ये श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है और इधर से एंट्री गेट है और सीधे सीधे साफ साफ उधर देखिए वहाँ पे लिखा गया पूरे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि यहाँ पे कोई वीडियोग्राफी मैं नहीं कर सकता यार। भाई लोग यार यहाँ पर हमने महाबुद्ध का टेम्पल और दोस्तों यहीं पे बगल में एक चाइनीज टेम्पल था उसका दोनों का दर्शन कर लिया, लेकिन भाई वहाँ पे बुद्ध टेम्पल के अंदर कैमराज या फिर फ़ोन ये सारे अलाउड नहीं थे, इसलिए मैं बाहर से रिकॉर्ड किया, उसके बाद सीधे मैं निकल लिया। भाई लोग यार हम चलते चलते अभी दोमोहान बोध गया में जो पड़ता है यहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं यार। ये अंकल जी साथ साथ हमारे चल रहे हैं, इधर मिल गए थे हम। चलिए हम आगे चलते हैं, कहीं पे पहले रुकने के लिए होटल ढाबा ढूंढते हैं। भाई यार मैं ट्राई कर करके यार थक गया भाई, 1 किलोमीटर तो यार मैं अभी चला आया इस टाइम। फिलहाल देखता हूँ कोई लिफ्ट मिल जाए भाई को, दिखाता हूँ यार। अंकल जी आप कहाँ तक चलोगे? कहीं ढाबा वाबा मिलेगा आगे वहाँ तक उतार देना मुझे को। थैंक यू अंकल जी। चलो यार भाई मेरे को लिफ्ट मिल गई, मैं चल रहा हूँ अब धीरे धीरे। थैंक यू। भाई यार हम चलते चलते पहुँच गए यार मगध यूनिवर्सिटी के पास। देखो इधर है मगध यूनिवर्सिटी। थैंक यू भाई यार। भाई आप कहाँ तक चलोगे? भाई मेरे को यार कहीं ढाबा मिल जाएगा वहीं उतार देना यार, रुकूंगा कहीं आज। मैं तब चलूंगा। चलो ठीक है भाई, थैंक यू यार। चलो फिर यार हम फिर से चलते रहते हैं भाई, छोड़ करके यहाँ से यू टर्न मारेगा और मैं मेरे को सीधे चलना है यार आगे। देखता हूँ भाई पहले बैग ठीक करता हूँ यार। भाई लोग यार आज तो यार बैग भी टूट गया, देख रहे हो यार ये बैग का एक टांगने वाला दोस्तों यहीं से टूट गया भाई। अब इसको यार कहीं पे रिपेयर करवाना पड़ेगा भाई, बट अब रात में कैसे रिपेयर होगा मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही भाई। अभी तक ऊपर से रुकने का आज कहीं स्थान नहीं।